शुरू करें। अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ध्यान से सुन रही थी। मुझे लगा कि वो कुछ बहुत ठोस सबूत सामने रखेंगे, वो कुछ बहुत परिपक्व बात अपनी सामने रखेंगे कि किस तरह से आखिरकार जो वो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार किया, तो आखिर कोई तो सबूत वो सामने रखेंगे। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चलती गई। बहुत मजेदार मनगढ़ंत कहानियां प्रवेश वर्मा जी और मनिंदर सिरसा जी सुनाते गए, कभी किसी होटल की कहानी, कभी किसी रेस्टोरेंट की कहानी, लेकिन एक भी ठोस सबूत प्रवेश वर्मा जी ने सामने नहीं रखा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं प्रवेश वर्मा जी के साथ एक टेलीविजन डिबेट पर थी, तो मैंने प्रवेश वर्मा जी को कहा कि उनके पास एक अच्छा करियर ऑप्शन है बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर बनना, कि बिना किसी आधार के मनगढ़ंत कहानियां बनाने का उनका काफी अच्छा टैलेंट है। तो मैं सोच रही थी कि प्रवेश वर्मा जी तो सांसद हैं, सीनियर नेता हैं, उनके पिताजी बहुत वरिष्ठ नेता और बहुत स्टैचर वाले नेता थे दिल्ली के, तो उनको भी तो शर्म आती होगी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उनकी कोई इज्जत का लिहाज क्यों नहीं है कि वो उन्हें बिना किसी आधार के मनगढ़ंत कहानियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज देते हैं। पर सिर्फ प्रवेश वर्मा जी की इज्जत का ख्याल नहीं है भारतीय जनता पार्टी को और उनकी केंद्र सरकार को, आज तो ऐसा लगता है कि सीबीआई की इज्जत का भी ख्याल नहीं है, क्योंकि ये जो सारा खेल पीएमओ में बैठ के रचा जा रहा है, वहां से सुबह आदेश निकलता है कि मीडिया में स्टोरी प्लांट करो कि मनीष सिसोदिया के नाम से लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, जब दिल्ली भर और देश भर की जनता नाराज हो जाती है, हैरान हो जाती है, कहती है कि भाई मनीष सिसोदिया के नाम पे लुकआउट नोटिस निकाल दिया है, जब उन्हें पता चलता है कि नेगेटिव रिएक्शन हो गया, तो कुछ ही घंटे बाद बिना सीबीआई की इज्जत की चिंता किए फिर से पीएमओ एक स्टोरी प्लांट करवा देता है कि नहीं 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 नहीं, सीबीआई ने लुकआउट नोटिस नहीं इशू किया है। तो इतना ज्यादा ड्रामा कभी अपने सांसदों द्वारा, कभी अपने प्रवक्ताओं द्वारा, कभी अलग अलग प्लांटेड स्टोरीज द्वारा, ये सुबह से लेकर शाम तक जो नौटंकी चल रही है, ये आखिरकार क्यों चल रही है? ये सुबह से लेकर शाम तक की नौटंकी इसलिए चल रही है क्योंकि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को इस बात से ध्यान हटाने की जरूरत है कि 14 घंटे की रेड के बाद भी मनीष सिसोदिया के घर से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें इस बात से ध्यान भटकाने की जरूरत है कि पूरे शोर शराबे के साथ उन्होंने कहा कि हमने 31 जगह रेड करी, पूरे शोर शराबे के साथ वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर आए, वहां पर 14 घंटे रुके, लेकिन 14 घंटे के बाद भी सीबीआई के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सीबीआई और ईडी वो एनफोर्समेंट एजेंसीज जो पैसों के और नोटों के पहाड़ बनाती हैं, उनकी रंगोलियां बनाती हैं, जरा आज बताएं तो सही कि मनीष सिसोदिया के घर से कितने पैसे मिले, बताएं तो सही कि घर के अलग अलग हिस्से से भी जो उन्होंने 10-10 रुपए, 100-100 रुपए के भी नोट इकट्ठे कर लिए, मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे तक गिन लिए, तो आखिरकार मनीष सिसोदिया जी के घर से कितने पैसे मिले? सीबीआई बताए तो सही कि कितने सोने के बिस्कुट मिले उन्हें मनीष सिसोदिया जी के घर से? सीबीआई आखिर बताए तो सही
कि कितनी संपत्ति के कागज मिले मनीष सिसोदिया के नाम पे, उनके परिवार वालों के नाम पे, और वालों के नाम पे, उनके रिश्तेदारों के नाम पे, जो 14 घंटे उन्होंने रेड करी। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि 14 घंटे की रेड के बाद क्या मिला, कुछ बताओ तो सही। लेकिन सीबीआई के पास कुछ जवाब नहीं है, और इसलिए इस बात को छुपाने के लिए अपने अलग अलग सांसदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए जा रहे हैं, उनसे मनगढ़ंत कहानियां बनवाए जा रहे हैं, सीबीआई के बारे में अलग अलग स्टोरियां प्लांट किया करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज केंद्र सरकार को भी पता है कि पूरे देश के सामने उनकी फजीहत हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी पता है कि उनकी फजीहत हो रही है, क्योंकि उन्हें रोज सुबह स्क्रिप्ट मिलता था। स्क्रिप्ट ये कहता था कि 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 2,000 करोड़ का घोटाला हुआ। वो जितना भी नीचे आए वो 144 करोड़ और 30 करोड़ तक तो पहुंच ही जाते थे रोज। हर रोज की स्क्रिप्ट में कभी 8,000 करोड़, कभी 2,000 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास भी मुंह छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि उनकी ही केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई का एफआईआर कुल मिला के कह रहा है कि शायद 1 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, 1 करोड़ रुपया शायद एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया हुआ है। यह सूत्र हमें बता रहे हैं, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ताओं को टीवी पर आकर कहने में ये शर्म आ रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब 8,000 करोड़ और 2,000 करोड़ और 6,000 करोड़ और 144 करोड़ और 30 करोड़ के जो आंकड़े उन्हें रोज के स्क्रिप्ट में मिलते थे, उस स्क्रिप्ट को तो सीबीआई ने ही भंग कर दिया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि आज पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगी कि इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। इस देश के लोग ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो दिन रात मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक कर रही है, अस्पतालों को ठीक कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवा दे रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा दे रही है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम रोकने के लिए। देश के लोग बेवकूफ नहीं है मोदी जी। मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि देश के लोगों ने बहुत उम्मीद से आपको प्रधानमंत्री बना के भेजा था, उन्हें बहुत उम्मीद थी, देश के बच्चों को उम्मीद थी कि आप उन्हें अच्छी शिक्षा दोगे, देश के हर नागरिक को यह उम्मीद थी कि आप उन्हें अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दोगे, कि जब वो बीमार होंगे तो हर गांव में इलाज मिल पाएगा, किसी बुजुर्ग महिला को एक खटिया पे बैठ के, खटिया पे लिटा के 20-20 किलोमीटर दूर नहीं लेके जाना पड़ेगा। इस उम्मीद से लोगों ने आपको प्रधानमंत्री चुन के भेजा था। इस देश के युवाओं को आपसे उम्मीद थी कि इतनी बेरोजगारी जो इस देश में है आप उसका समाधान करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपसे उम्मीद थी कि जो महिलाओं के साथ अपराध होता है पूरे देश में उसका आप समाधान करेंगे। बड़ी उम्मीद से देश के लोगों ने आपको चुन के भेजा था। लेकिन आज देश भर के लोग देख रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो जनता के लिए काम करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ अपनी विपक्ष की पार्टियों की जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में उनको कैसे गिराया जा सकता है उसका प्लान बनाते हैं, कि अब हम सीबीआई को कैसे भेजें, अब हम ईडी को कैसे भेजें, अब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे भेजें। मोदी जी, अगर इतना ध्यान जो आप अपने विरोधियों के खिलाफ एजेंसियां भेजने में लगाते हो, अगर उतना ध्यान आप देश की समस्याओं पर लगा देते तो शायद आज हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल जाता,
शायद हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षा मिल जाती, देश में जो बुजुर्ग बीमार हैं उनको अच्छा इलाज मिल जाता। लेकिन देश के लोग ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो मोदी जी हैं जो सिर्फ दूसरी पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो प्लान बना रहे हैं कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनाया जा सकता है। कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के लिए समाधान, महिलाओं के लिए सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो देश के 130 करोड़ लोगों को साथ जोड़ने का प्लान बना रहे हैं कि हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना सके। ये पूरी देश के लोग देख रहे हैं कि आज उनके सामने ये दो अलग अलग मॉडल खड़े हैं। एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल, एक अरविंद केजरीवाल का वादा कि हम भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे, और दूसरी तरफ मोदी जी का मॉडल कि हम किस तरह से विपक्ष की पार्टियों पर हमला कर करके अपने विपक्ष की सरकारों को सिर्फ गिराएंगे। मोदी जी, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को भेजने के बजाय और लंबी लकीर खींचिए। दिखाइए आप अच्छे स्कूल कैसे बना सकते हैं, दिखाइए आप अच्छे अस्पताल कैसे बना सकते हैं, दिखाइए युवाओं को कैसे रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि देश के लोग इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और अगर इसी तरह से आप सिर्फ अपने विरोधियों का अलग अलग एजेंसियों से द्वारा उनको परेशान करने की कोशिश करते रहे, तो आने वाले समय में जिस तरह से लोगों ने आपको उतनी उम्मीद से चुन के भेजा था, ये वही जनता है जो अगर आपको इतने ऊंचे पद पे बिठा सकती है, तो ये वही जनता है जो कल आपको उस पद से उठा भी सकती है। धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि प्रवेश वर्मा जी ने और उनके साथ मनिंदर सिंह सिरसा जी ने ओबेरॉय होटल में बैठकर अलग अलग कंपनियों से 10,000 करोड़ का कैश लिया। अब आप बताएं इस पर क्या उनके तो जिस तरह से कोई भी फिक्शनल आरोप प्रवेश वर्मा जी लगा सकते हैं, वो हम भी लगा सकते हैं। बताइए, आप ये कहानी रन करेंगी क्या कि प्रवेश वर्मा जी, मनिंदर सिंह सिरसा जी, अमित शाह जी ने एक साथ मिलकर दिल्ली के ओबेरॉय होटल में किसी से 10,000 करोड़ कैश लिया? बताइए। मनगढ़ंत कहानियां बनाना बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स का काम है। आप एक सांसद हैं, थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, और किसी की तो नहीं, अपनी इज्जत की और जो अपने पिताजी की लेगेसी आप आगे लेके बढ़ रहे हैं उसकी तो चिंता करिए। आतिशी जी, एक संवैधानिक संस्था जिसकी निष्पक्षता के ऊपर हालांकि सवाल उठते रहे हैं, उनके विषय में भी कभी आता है कि उन्होंने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है और फिर शाम तक आ जाता है कि नहीं जारी नहीं किया है, तो इस विश्वसनीयता पर भी शायद कि... देखिए, मुझे तो एक्चुअली सीबीआई के लिए थोड़ा दुख हो रहा है। सीबीआई में पहुंचने के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो आईपीएस के भी, अलग अलग काडर्स के सीनियर ऑफिसर्स जो बहुत अच्छे ऑफिसर्स माने जाते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स सीबीआई में पहुंचते हैं। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट काडर होता है पुलिस का, आईपीएस का, इंटेलिजेंस सर्विसेज का, उसको सीबीआई में लिया जाता है। अब मुझे आज उन बेचारों के लिए भी दुख हो रहा है कि उनको भेजा जाता है 14 घंटे के लिए डिप्टी सीएम के घर रेड करने के लिए, और 14 घंटे के बाद मंदिर तक के भी पड़े हुए पैसों को गिनने के बाद उन्हें कुछ मिलता नहीं है। आज बेचारों के नाम पे पहले सुबह एक स्टोरी प्लांट करी जाती है, जब पब्लिक का नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो दोपहर तक दूसरी स्टोरी प्लांट करी जाती है। आज बेचारे सीबीआई वाले भी परेशान होंगे कि जी हमारी भी कोई इज्जत है, कृपया कम से कम हमारी इज्जत को तो मिट्टी में मत मिलाइए। आतिशी जी, आप लोग कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सब कुछ सामने, बीजेपी आरोप लगा रही कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और तमाम तरह के आरोप,
परसों से अगर आप देखें तो आज तक आम आदमी पार्टी के द्वारा 12-13 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। क्या जरूरत है आप लोगों ने, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इतनी ज्यादा सफाई की जरूरत आपको क्यों पड़ रही, या इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा भी और बीजेपी के द्वारा? देखिए, हम पहले दिन से कहते हुए आए हैं कि केंद्र सरकार ने जितनी भी जांच एजेंसियां भेजनी है वो भेज दी। उन्होंने सीबीआई को भेजना है, उन्होंने ईडी को भेजना है, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना है, हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार ना तो कभी किया है ना कभी करेंगे। आज ही खबर आई है, मैं आते हुए ट्विटर पे पढ़ रही थी कि बीच बीच में ऐसे ही वो मनगणत, ये जो बॉलीवुड के स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, उसमें से विजेंद्र गुप्ता जी भी एक हैं। अब विजेंद्र गुप्ता जी ने एक कंप्लेंट फाइल करी थी कि डीटीसी के बस प्रोक्योरमेंट में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। उनके ही एलजी साहब ने कमिटी बनाई, भारतीय जनता पार्टी की कंप्लेंट, भारतीय जनता पार्टी के एलजी, उन एलजी साहब ने नियुक्त करके बनाए कुछ कमिटी के सदस्य, वो भी हर संभव प्रयास के बाद एक पैसे का भ्रष्टाचार उसमें नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने भी आज ये लिखित में दे दिया है कि ब्रस प्रोक्योरमेंट में कोई भी घोटाला नहीं है। तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार है और किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर कोई हम पे झूठे और मनगणत आरोप लगाएगा तो उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं और मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। उन्होंने कई लोगों के नाम लिए जिनका नाम एफआईआर में है और सीधे तौर पे जुड़ा आपसे भी जुड़ा सौरव भारद्वाज से और बाकी नेताओं से, कि आप लोग बताएं कि उनके साथ संबंध क्या है, खासकर विजय नायर का उन्होंने नाम लिया, दिनेश गोरा का नाम लिया, तो वे खुल के कह रहे हैं कि आप इसका स्पष्टीकरण दें कि क्या संबंध है अगर कुछ गलत नहीं हुआ है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब उनकी समस्या ये है कि जो उनको पिछले एक महीने से स्क्रिप्ट मिला हुआ था, अब वो स्क्रिप्ट तो फेल हो गया। वो स्क्रिप्ट था 8,000 करोड़ का घोटाला, 2,000 करोड़ का घोटाला, 1,100 करोड़ का घोटाला। वो घोटाला बहुत नीचे भी आता था तो 144 करोड़ और 30 करोड़ का तो हो ही जाता था। और रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता कागज लेके बैठते थे और कहते थे ये 144 करोड़ कहां गए, ये घोटाला है। फिर सीबीआई ने एफआईआर भी कर दी और उस एफआईआर में 8,000 करोड़ छोड़िए, 1,100 करोड़ छोड़िए, 144 करोड़ भी छोड़िए, बेचारे 30 करोड़ तक कभी मेंशन नहीं था। इतनी लंबी एफआईआर के बाद भी सिर्फ सूत्रों के हवाले से सीबीआई ये कह पाई कि शायद 1 करोड़ रुपए एक किसी बिजनेस ने दूसरे किसी बिजनेस को दिए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कि कहां 8,000 करोड़ से बात शुरू हुई और कहां सूत्रों के हवाले से 1 करोड़ तक रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि उनका जो एक महीने से स्क्रिप्ट चलता आ रहा था, अब वो स्क्रिप्ट तो सीबीआई ने बंद कर दिया, तो इसलिए उन्हें कुछ तो नई कहानियां चाहिए। अब वो 2-4 दिन तक और ही कहानियां चलाएंगे, फिर उसके बाद जब सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी और वहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा तो वो हो सकता है कि 2-3 हफ्ते बाद कुछ और नई कहानियां सुनाएंगे। हमारा बस भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है, आप बता तो दो कि 14 घंटे में डिप्टी सीएम के घर से आपको क्या मिला, कितने पैसे मिले, कितनी ज्वेलरी मिली, कितनी संपत्ति के कागजात मिले। इससे ही सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर आरोप का खुलासा इतनी सी बात में है कि अगर ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ तो भाई पैसे गए कहां, कहीं तो होंगे। 31 जगह रेड कर लिया आपने, देश के अलग अलग हिस्सों में रेड कर लिया आपने, कहीं तो मिले होंगे। खा गए क्या हम लोग, पचा गए, धरती में गाड़ दिए। तो इसलिए
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबूत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस बात नहीं है, इसलिए प्रवेश वर्मा जी एक अच्छे बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर की तरह हर एक हफ्ते में बेचारों को कुछ नई कहानियां लिखनी पड़ती हैं, तो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आप पे सवाल उठा रही है, चौधरी जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो बीजेपी मांग कर रही है वो भी मांग कर रहे हैं कि इस मामले में इस पर जांच होनी चाहिए और पूरे जो आरोप है वो। देखिए, जिस पार्टी को दो लगातार विधानसभा चुनाव में जिसकी अपनी खाता खोलने की भी योग्यता नहीं है, अब उसके सवालों का क्या जवाब दिया जाए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि 1 करोड़ की जो बात आप कह रहे हैं, क्या 1 करोड़ रुपया कोई अमाउंट नहीं होता, और 1 करोड़ रुपया आपको क्या घोटाला नहीं लगता? जो 1 करोड़ का भी अमाउंट है, अगर आप उस FIR को ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने उस FIR का ना, वो जब आई FIR तो मैंने उसका प्रिंट आउट लिया और मैं बड़ा उसका कागज और हाईलाइटर लेके बैठी कि भाई क्या कह रही है ये FIR। वो ये कह रही है कि 1 करोड़ का घोटाला, देखिए घोटाला कब होता है, जब किसी सरकारी अफसर ने या किसी डिसीजन मेकर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने किसी से पैसे लिए कोई काम करने के लिए या किसी को अनड्यू फेवर लेने के लिए। जो 1 करोड़ की बात भी हो रही है उसमें ना कोई अफसर शामिल है, ना कोई नेता शामिल है, ना कोई मंत्री शामिल है। वो 1 करोड़ रुपया किसी एक बिजनेसमैन ने किसी दूसरे बिजनेसमैन को दिया। भाई इसमें दिल्ली सरकार कहाँ से शामिल हो गई, इसमें आम आदमी पार्टी कहाँ से शामिल हो गई? अब किसी एक बिजनेसमैन ने किसी दूसरे बिजनेसमैन को पैसा दिया, वो भी बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से, तो आप उनसे पूछिए, दिखा दें वो अपनी कागज पत्री कि उनका क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। ये मनीष सिसोदिया या दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी का इसमें क्या लेना देना है, ये इस सवाल का जवाब अभी तक कोई मुझे दे नहीं पाया। उसी FIR में 2 से 4 करोड़ रुपए कैश का भी जिक्र है जी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के करीबी लोगों के द्वारा वो पैसा जो है वो दूसरा आरोप उसमें ये है सूत्रों के हवाले से। वो भी पहला भी सूत्रों के हवाले से कि एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को 1 करोड़ रुपए बैंक से दिए। दूसरा आरोप कि एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति से 2 से 4 उनको अमाउंट भी, वो किसी जेड व्यक्ति के बिहाफ पर पैसे उठाए। उसमें कोई उसमें तारीख नहीं, कोई उसमें सबूत नहीं, कोई उसमें गवाह नहीं। एक्स ने वाई व्यक्ति से जेड के बिहाफ पर, देखिए आज तक आप लोग काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग अगर FIRs उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये इस देश के इतिहास में पहला ऐसा FIR होगा जो 100% सूत्रों के हवाले से है, उसमें एक भी सबूत उस पूरे FIR में कहीं नहीं दिया हुआ कि क्या रॉन्ग डूइंग हुई और किसने करी। लेकिन फिर भी हम शुरू से ही कहते आए हैं, आपने जो जांच करनी है कर लीजिए। अभी आपने CBI भेजी है, अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि अब आप ED को भेजने वाले हैं, ED भी जांच कर ले। अब मैं ED से भी जानना चाहूंगी, पहले तो CBI से मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने पैसे मिले आपको मनीष सिसोदिया जी के घर से, क्योंकि जहां तक मुझे खबर है उन्होंने मंदिर में भी जितने नोट पड़े हुए थे 2-4 उनको भी गिन डाला। तो आज CBI कम से कम सामने आके डिक्लेयर तो करे देश के सामने कि 14 घंटे की रेड के बाद क्या मिला। तो उसके बाद जब ED भी रेड करेगी कल, तो ED भी बताए कि क्या मिला उनको। CBI ने तो 31 जगह छापे मार लिए, कुछ तो मिला होता, कुछ तो ढेर बनाया होता उन्होंने, कुछ नोटों की रंगोली बनाई होती अगर उन्हें कुछ मिला होता। सच्चाई ये है कि 31 जगह रेड करने के बाद भी एक पैसा नहीं मिला है CBI को, इसीलिए अब सारी कवायद स्टोरी प्लांट कर करके इस बात से ध्यान भटकाने की कोशिश।